ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। उत्तर प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर के कदम थम चुके हैं। अब प्रदेश में सभी जिले कोरोना कर्फ्यू से बाहर आ गए हैं। इससे पहले 71 जिले कोरोना कर्फ्यू से बाहर आ गए थे, लेकिन मंगलवार को जारी आंकड़ों में लखनऊ, मेरठ, सहारनपुर और गोरखपुर में भी कोरोना कर्फ्यू को इससे मुक्ति मिल गई है। बाकी 71 जिलों की तरह अब इन 4 जिलों में भी अनलॉक की प्रक्रिया आज से शुरू हो चुकी है। बुधवार को प्रदेश के सभी जिलों में सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक बाजार खोले जाएंगे। हालांकि सिनेमाघर, मॉल, जिम पर पाबंदी लगी रहेगी। वहीं रेस्टोरेंट खोलने की अनुमति फिलहाल दे दी गई है, लेकिन वहां बैठकर खाने की अनुमति फिलहाल नहीं दी गई है। रेस्टोरेंट से केवल होम डिलीवरी की जा सकेगी। रात्रिकालीन कर्फ्यू और वीकेंड कर्फ्यू पहले की तरह लागू रहेगा। कोरोना की चाल धीमी पड़ने के बाद उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार अब ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन उपलब्ध कराने की कवायद में जुटी हुई है। सरकार ने राज्य में अब रेडी पटरी दुकानदार, फल सब्जी विक्रेता, ऑटो रिक्शा चालकों के लिए विशेष वैक्सीनेशन अभियान चलाने का फैसला लिया है। 14 जून से पूरे प्रदेश में वैक्सीनेशन का यह विशेष अभियान चलाया जाएगा। योगी सरकार ने वैक्सीनेशन को लेकर विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। प्रत्येक जिले के नगर पालिका, नगर निगम ऑफिस में भी बूथ बनाए जाएंगे, जहां 100 रेडी पटरी दुकानदारों, फल विक्रेताओं को टीका लगेगा। रिक्शा ठेला चालकों के लिए 50-50 व्यक्ति की क्षमता वाले बूथ की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। लखनऊ से जयपुर जा रही डीसीएम की तेज गति से आ रहे डंपर ने पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें डीसीएम खाई में पलट गई। बताया जा रहा है कि डीसीएम चालक लखनऊ से आम के कार्टून लादकर जयपुर के लिए ले जा रहा था, तभी देर रात तेज गति से आ रहे डंपर चालक ने पीछे से उसे टक्कर मार दी, जिससे डीसीएम खाई में पलट गई। लेकिन हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। वहीं सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने डंपर को साइड कराकर रास्ता खुलवाया है। ताज नगरी आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज के ईएनटी विभाग में फंगस से पीड़ित 14 दिन की नवजात बच्ची का डॉक्टरों ने सफलतापूर्वक ऑपरेशन किया। नोडल अधिकारी डॉक्टर अखिल प्रताप के अनुसार अब बच्ची खतरे से बाहर बताई जा रही है। विशेषज्ञ डॉक्टर उसकी देखरेख कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार हाथरस निवासी परिवार में 14 दिन पूर्व बच्ची का जन्म हुआ था। जन्म के बाद बच्ची की तबीयत खराब हो गई और उसे निजी अस्पताल के NICU में भर्ती कराया गया। इस दौरान बच्ची के गाल पर काला दाग नजर आया और बीते शनिवार को बच्ची के परिजन उसे लेकर आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में उसे भर्ती कराया, जहां आज उसका सफल ऑपरेशन किया गया है। बच्चे की किडनी भी ठीक से काम नहीं कर रही थी, बच्चे के हार्ट में भी प्रॉब्लम थी, बच्चे का वज़न भी कुछ कम था जन्म के समय, तो लेकिन अब चीज इस बात को लगभग अब 36 घंटे हो गए हैं, तो बच्चे ने काफ़ी सुधार किया है, उसकी स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है और आज सुबह हमने उसका ऑपरेशन करके उसका ब्लैक फंगस से जितना संक्रमित पार्ट था उसके चेहरे पर उसको सारा हटा करके और उस पर नए सिरे से। अलीगढ़ AMU के JNMC में अब ऑक्सीजन गैस की कमी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ PM केयर फ्रंट से ऑक्सीजन प्लांट लगाने की मंजूरी दे दी गई है, जहां एक मिनट में 2000 लीटर ऑक्सीजन बनेगी। आपको बता दें कि इस ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना में खर्च होने वाली धनराशि PM केयर फंड से खर्च की जाएगी, जिसके लिए AMU VC प्रोफेसर तारिक मंसूर ने पूरी AMU बिरादरी की तरफ से PM नरेंद्र मोदी का धन्यवाद दिया है। तो वहीं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जनसंपर्क अधिकारी उमर सलीम परिजादा ने भी PM मोदी को धन्यवाद दिया। बता दें कि इस ऑक्सीजन प्लांट की कैपेसिटी 1000 लीटर प्रति मिनट होगी और इस प्लांट की ऑक्सीजन को आवश्यक वार्ड से संबद्ध किया जाएगा। अलीगढ़ के थाना लोधा से पुलिस का एक ऐसा कारनामा सामने आया जो अधिकारियों के लिए हड्डी बनकर सामने आया है। दरअसल थाना लोधा इलाके के गांव जिरौली डोर में एक युवक को पुलिस शराब सेल्समैन होने की सजा दी और उसे कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार कर लिया। SDM ने युवक को जमानत पर रिहा तो किया, फिर उसे दोबारा गिरफ्तार कर लिया। पुलिस द्वारा इस कार्यवाही की भनक जैसे ही परिजनों व ग्रामीणों को हुई तो ट्रैक्टर ट्रॉलियां भरकर दर्जनों महिलाओं समेत भारी संख्या में ग्रामीण एकत्र होकर थाने पहुंच गए और हंगामा शुरू कर दिया। वहीं उन्होंने थाने का घेराव कर लिया। प्रदर्शनकारियों में शामिल बीमार एक महिला की गर्मी के कारण तबीयत बिगड़ गई और वह थाने में ही जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। तो वहीं हंगामे की सूचना मिलने पर थाने के SDM गबाना, CO भी मौके पर पहुंचे और फिर मामले की जांच की।
आजमगढ़ में जिला अधिकारी राजेश कुमार व पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह व आबकारी विभाग टीम द्वारा रोडवेज के पास दुकान पर बियर, देशी शराब व अंग्रेजी शराब की चेकिंग की गई और आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए, जिस पर एसपी ने बताया कि इस दुकान से सबसे ज्यादा बिक्री होती है और अंबेडकर नगर और आजमगढ़ में जहरीली शराब से सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। तभी से लगातार अभियान चलाया जा रहा है। अभी तक 120 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है और कई लोगों पर गैंगस्टर की भी कार्यवाही की गई है। आबकारी व पुलिस की टीम लगातार ठेकों पर जांच कर रही है। देखिए, हम और एसपी साहब दोनों यहां पे एक दुकान औचक रूप से चेक करने आए हैं। इसी तरह जगह जगह पे एसडीएम साहिबन, सीओ साहिबन और थानों को भी बोल रखा है, वो भी औचक निरीक्षण हर टाइम पे बिना किसी इंफॉर्मेशन के औचक निरीक्षण कर रहे हैं। तो पूरा महकमा इसके लिए सतर्क है और कहीं भी किसी तरह की अवैध शराब की शिकायत अगर आती है तो तुरंत उस पर एक्शन होता है। अभी सब लोग सारी कार्रवाई से अभी लोग काफ़ी लोग भयभीत हैं यहाँ पर। देखिए, डीएम महोदय और मैं दोनों की दोनों ज्वाइंट चेकिंग में यहाँ आए थे और तीनों दुकानें अंग्रेजी, देसी और बियर तीनों दुकानें चेक की गई हैं और ये सबसे ज़्यादा बिक्री वाली दुकान यहाँ पर है। तो सभी चीज़ ठीक पाई गई है और लगातार अभियान चल रहा है। जैसा कि सर ने बताया कि वो एसडीएम सीओ की ज्वाइंट टीम, थाना अध्यक्ष और बाकी आबकारी भी। लखनऊ में कोरोना कर्फ्यू खत्म होते ही बाजार गुलजार हो चुके हैं। बाजारों में सभी दुकानें खुलनी शुरू हो चुकी हैं। 40 दिन बाद आज फिर से पुराने लखनऊ के बाजार गुलजार दिखाई दिए हैं। कोरोना कर्फ्यू खुलने से सड़कों और बाजारों में रौनक दिखाई दी। हालांकि सभी दुकानदारों को कोविड गाइडलाइन का पालन करना जरूरी होगा, जिसे देखते हुए सभी दुकानदारों ने मास्क लगाकर और सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए अपनी दुकानें खोली। लखनऊ में आज कोरोना कर्फ्यू खत्म करते हुए आज फिर से बाजार गुलजार दिखाई दिए हैं। आपको बता दें कि आज से अनलॉक की प्रक्रिया लखनऊ में शुरू कर दी गई है, जिसका सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज सुबह से ही बाजार गुलजार होते दिखाई दिए हैं। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।